आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सीरीज आपके सामने क्या है, लिस्ट वन है शेल्स के लिए एंड सेकंड लिस्ट है कि उन शेल्स में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर क्या है बेसिकली आपको करना है, राइट। सो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि होता क्या है कि अगर मैं देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात करती हूँ, सो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं, ये आपके नेगेटिवली चार्ज क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, राइट, जो आपके प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर न्यूक्लियर पार्ट। किसी एटम के आउटर न्यूक्लियर पार्ट में आपके पास क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं जो एक एटम के साइज से रिलेटेड होते हैं, फाइन। यहीं पर अगर मैं बात कर लूँ देखो शेल्स की, सो शेल्स बेसिकली एक एटम की वो शेल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम फिलिंग करने के लिए हर शेल में आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके टू बी फिल्ड, नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ टू बी फिल्ड इन पर्टिकुलर शेल, उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू 2n², राइट। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका 2n², मतलब किसी भी शेल में 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, जहाँ पर n जो होता है ये बेसिकली आपका बताता है कि आपकी कौन से नंबर की शेल है, राइट। सो n बेसिकली आपका क्या होता है, इट टेल्स अबाउट द विच नंबर शेल इट इज, फाइन। कहने का मतलब अगर मैं के, एल और एम एंड आपकी n शेल्स की बात करती हूँ, सो इनके लिए n की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है कि k शेल होती है आपकी फर्स्ट शेल, l शेल होती है सेकंड, m होती है थर्ड, n होती है फोर्थ। कहने का मतलब है कि लाइन वाइज हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, पहले k शेल कम्प्लीटली फिल होगी, फिर आपकी l, फिर आपकी m होगी एंड देन आपकी क्या होगी, n होगी, राइट। सो इससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ 2n², राइट। सो अगर मुझे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे, 2n² लगाओगे। सो k शेल के लिए कितने हो जाएंगे 2, एल शेल के लिए एन की जगह 2 पुट करोगे इट विल बी 8, और एम शेल के लिए एन की जगह 3 पुट करोगे सो इट विल बी 18, एंड फोर्थ शेल के लिए एन की जगह 4 पुट करोगे सो इट विल बी 32, राइट। सो ये आपके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके देखने को मिलेंगे। सो यहाँ से अगर हम अपने ऑप्शंस मैच करते हैं, सो आप बोलोगे के लिए आपका होगा फर्स्ट, एन के लिए आपका क्या होने वाला है, इट विल बी 32, राइट, एम के लिए होगा आपके पास 18 एंड आपका एल के लिए होगा सेकेंड, राइट, मतलब 8। सो यहाँ से अगर मैं आपको ऑप्शन की बात करते हैं, सो पी का हो गया 1, क्यू का हो गया है 4, आर का हो गया है 3rd एंड एस का हो गया है 2nd, राइट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, सो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होने वाला है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।